रहे हैं ये लगातार तीन स्टेट्स में चुनाव हारने के बाद किसान आंदोलित है, नौजवान परेशान है, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 45 साल में इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कभी रही नहीं। इन सब बातों को छुपाने के लिए एक प्रकार और जाते जाते जुमले देकर गए हैं। ये सारा मामला ये मानकर चलिए धन्यवाद देना चाहिए राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जनता को, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, विशेषकर जनता को। जनता ने जो चुनाव में थप्पड़ मारा भारतीय जनता पार्टी के, उसका इनाम जनता को मिल रहा है कि डरे हुए चुनाव में जाने से। देखिए, पहली बात तो इस बजट, ये इंटरिम बजट होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने, केंद्र सरकार ने चुनावी फायदा उठाने के लिए इसमें आनंद फानंद में कुछ घोषणाएं की है, लेकिन इससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो बढ़नी चाहिए, मुझे नहीं लगता उस इकोनॉमिक ग्रोथ पर कोई इंपैक्ट आएगा। तो पूरी तरह एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत इस बजट को जो है घोषणा की गई है। अब उसका अध्ययन हम करेंगे। हमने भी यहाँ की जो सरकार बनी है बनती, हमने किसानों को रिलीफ पहुँचाई है, सोसाइटी सभी कर्जे माफ किए हैं, और जो रेगुलर किसान है उनके लिए भी हम अलग से घोषणा करने वाले हैं। कुल मिलाकर के यहाँ जब दबाव बना है तब जाकर